आज सुबह आपकी नॉलेज में होगा, आज जो पहला मैच हुआ साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने थे और साउथ अफ्रीका को ने बांग्लादेश को एक बड़ी शिकस्त दी है एंड बांग्लादेश वर आउट क्लास, टोटली आउट क्लास। साउथ अफ्रीकन्स ने क्या बैटिंग की है। राइली रूसो जो है, जो कि अगर आपको याद हो थोड़े अरसे पहले कोलपैक डील लेकर साउथ अफ्रीका को खुदा हाफिज कह के, खैर बात कह के इंग्लैंड में खेलने चले गए थे, दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेल रहे थे, पीएसएल में आप जानते हैं हर साल वो फीचर करते हैं लाला। आज राइली रूसो ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई। मुझे नहीं पता आपने उनकी वो इनिंग देखी हो या ना देखी हो, लेकिन 49 गेंदों पर 100 रन, बड़ा ज़बरदस्त हार्ड हिटिंग प्लेयर है। पीएसएल में बड़ा रेगुलरली खेलते हैं तो आप तो जानते ही हैं उनके स्टाइल को। सो पीएसएल में जो खिलाड़ी रेगुलर आता है उससे वैसे ही हमें बड़ी मोहब्बत सी हो जाती है, लेकिन कमाल इनिंग खेल भी आज इन्होंने रूसो ने, बैक टू बैक सेंचुरी, मजेदार इनिंग ही हुई। अगर विराट कोहली की इनिंग की बात करें या इसकी बात करें, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की लास्ट मैच की बात करें, इनिंग ऐसी होती है, बड़ी यादगार इनिंग होती है, बड़ी यादगार परफॉर्मेंसेज होती है, और वो भी खासतौर पर इतने बड़े वर्ल्ड कप के इवेंट में। नो डाउट रूसो जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहा है और आई थिंक उसकी जो बैटिंग है वो ये है कि शॉटों में जान है, तगड़ा है, पॉजिटिव खेलता है। इस तरह के प्लेयर जब भी परफॉर्म करते हैं वो आपको मैच जीतवा देते हैं, मैच विनर कहूंगा मैं उसको, उसकी परफॉर्मेंस से हमेशा टीम जीतती है। तो आई थिंक T20 का बेस्ट प्लेयर, बेस्ट अच्छे प्लेयरों में से वो प्लेयर है विदाउट डाउट। और ये मैंने जैसे बताया कि दिस इज ओनली द सेकेंड टाइम के T20 क्रिकेट में किसी खिलाड़ी ने बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर की है। T20 में सेंचुरीज ऑफ कोर्स कम बनती हैं, इससे पहले एक फ्रेंच प्लेयर थे जिन्होंने जो है ये काम किया हुआ था, उनका तो मुझे नाम सम गुस्ताव समथिंग करके नाम था, हर्षा भोगले बता रहे थे, ये मुझे उनका फैमिली नेम बहरहाल याद नहीं है। लेकिन उसके बाद इन इस लेवल की क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है, जिसमें आपको बता रहा था कि वो कॉल पैक डील लेकर चले गए थे, फिर ब्रेक्सिट हुआ, ब्रेक्सिट के बाद ये कॉल पैक डील ख़त्म है। कभी मौका मिला तो फुर्सत में आप लोगों को ज़रा इस हवाले से बताएंगे कि आखिर किस बला का नाम है। बहरहाल जी, शाहीन शाह आफरीदी अपना आखिरी ओवर करवाने जो है इस वक्त आ गए हैं और देखते हैं कि उनको अपने आखिरी ओवर में विकेट मिलती है नहीं। शाहीन के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको अपनी बाकी मानदा 4 गेंदों पर एक विकेट मिल जाए। मुझे बताया गया है कि जी सवेरा भी अब तैयार हो चुकी हैं, शी इज़ देयर।